श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम गणेश चतुर्थी से लेके गणेश विसर्जन तक नित्य प्रतिदिन एक या दो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि माता पार्वती के कहने पे क्यों भोले बाबा जी ने अपने ही पुत्र गणेश जी का शीश काट दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से पूर्व कैसे उत्पन्न हुए थे गणेश भगवान जी, इन सब की सच्चाई पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार क्या है, वो सारी बातें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके देखिए। और रोज़ एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बहुत सारे लोग गणेश चतुर्थी बनाते हैं, बहुत सारे क्या, पूरे महाराष्ट्र में तो इसकी धूम मची रहती है गणेश चतुर्थी की, लेकिन 99% लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर गणेश चतुर्थी बनाई क्यों जाती है, आखिर कारण क्या है कि गणेश चतुर्थी बनाई जाती है, 10 दिन के लिए ही बनाई जाती है, और उसके बाद गणेश जी को आखिर क्यों पानी में विसर्जित किया जाता है, नहीं पता ना। तो चलिए, मैं आपको आज यही वीडियो बनाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाभारत लिखने वाला हाथ जो था वो गणेश जी का था। एक बार वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं महाभारत की रचना करूँ। अब वेद व्यास जी अत्यधिक बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने बोला कि मैं महाभारत की रचना तो कर सकता हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे शरीर में वो क्षमता नहीं रही है। तो महाभारत जी कैसे प्रारंभ की जाए, और किसी भी चीज़ का प्रारंभ करने से पूर्व किसको याद किया जाता है, गणपति बप्पा मोरय। तो उन्होंने यही सोच के भगवान गणेश को याद किया। भगवान गणेश प्रकट हुए, महाभारत लिखने के लिए वो तैयार भी हुए। जब वेद व्यास जी ने उन्हें अपनी सारी समस्या बताई, तो महाभारत लिखने के लिए गणेश भगवान जी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। गणेश भगवान जी ने बोला कि मैं दिन रात महाभारत लिखूंगा, लेकिन आपको दिन रात महाभारत बोलनी पड़ेगी, आप यहाँ पर भी अटक गए, मैं उसी समय अपनी लेखनी को समाप्त करके चला जाऊंगा अपने धाम वापस। अब वेद व्यास जी ने बोला, ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो मुझे शर्त मंजूर है। वेद व्यास जी ने क्या कहा करा कि जब भी वेद व्यास जी को अपने सोच आदि कार्य के लिए जाना होता था, तो वो एक कठिन श्लोक बोल देते थे, क्योंकि वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी थी कि आप महाभारत का कोई भी श्लोक बिना सोचे समझे नहीं लिखोगे। तो वेद व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे, और गणेश भगवान जी को सोचने के लिए बहुत ज़्यादा समय की जरूरत पड़ जाती थी। तो वेद व्यास जी अपने नित्य कर्म का कार्य ऐसे करने लग जाते थे। अब आप लोगों को पता है कि महाभारत जो ग्रंथ है वो 10 दिन में लिखा गया था। तो जो ये 10 दिन में लिखा गया था, इसका शुरुआत जो लिखने से हुई थी वो गणेश चतुर्थी अर्थात चतुर्थी को हुई थी, अर्थात गणेश चतुर्थी को इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको पता है गणेश चतुर्थी से इसकी शुरुआत हुई, तो वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी नित्य प्रतिदिन रोज रात को दिन रात लगे पड़े हैं लिखने के लिए, उनके शरीर का तापमान कहीं बढ़ ना जाए। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उनके शरीर पे मिट्टी का लेप लगा दिया। और जब वेद व्यास जी ने उनके शरीर पे मिट्टी का लेप लगाया, उसी दिन से गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। वेद व्यास जी ने उनके शरीर पे मिट्टी का लेप लगाने के बाद उनकी पूजा अर्चना वंदना करी, और उनका एक नाम था बड़ा पार्थिक गणेश, बोलिए पार्थिक गणेश की जय। जब वेद व्यास जी ने उनकी मिट्टी लगाने के बाद पूजा अर्चना वंदना करी, तब उन्होंने देखा कि उनका तापमान तो अत्यधिक बढ़ रहा है, और जो उनके शरीर पे उन्होंने मिट्टी लगाई थी वो मिट्टी की पापड़ी बनके सूख रही है। तो वेद व्यास जी ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। जब वेद व्यास जी ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया ताकि उनका शरीर अकड़ ना जाए, वेद व्यास जी ने उनका शरीर का तापमान बढ़ते हुए देखा, मिट्टी सूखती रही, तो उनके ऊपर पानी डाल दिया। और पानी डालने के साथ साथ भी जो भी उनकी विभिन्न अच्छी खाने पीने की वस्तुएं थी वो भी उनको भेंट स्वरूप उपहार में दी। तो अनंत चतुर्दश तक अर्थात 10 दिन तक इसकी रचना हुई, तभी से ये बनाई जाती है, क्योंकि वेद व्यास जी ने ये प्रारंभ करी थी। वेद व्यास जी का मनोरथ पूरा हुआ था, अर्थात वेद व्यास जी महाभारत लिखना चाहते थे, तो गणेश भगवान जी ने आकर खुद ही महाभारत लिखी, अर्थात उनके विनय को हर लिया, उनके शोक को हर लिया। ठीक ऐसे ही बोला जाता है कि गणेश चतुर्थी से लेकर जो गणेश विसर्जन तक भगवान
की स्थापना पूजा अर्चना वंदना करता है और अपना कोई भी जो भी उसको परेशानी है वो लिखकर गणेश भगवान जी को याद करता है, उनकी वो परेशानी समाप्त हो जाती है और गणेश भगवान जी जाते जाते उसका वो दुख भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी बनाई जाती है, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी का जो प्रारंभ था वो वेद व्यास जी ने किया था और जो प्रारंभ जिस दिन से किया था उस दिन गणेश, उस दिन चतुर्थी थी, भद्र शुक्ल की चतुर्थी थी और जिस दिन अंत किया था, समाप्त किया था, उस दिन अनंत चतुर्थी। तो 10 दिन में पूरी महाभारत लिखी गई थी, आप लोगों को पता है, इसलिए हम लोग भी 10 दिन तक वेद व्यास जी ने जैसे पूजा अर्चना वंदना करी थी वैसे ही हम लोग भी 10 दिन तक भगवान गणेश को रखते हैं। और उनका जो एक नाम पड़ा था पार्थिव गणेश, वो इसी की वजह से पड़ा था। अगर आप गणेश भगवान से संबंधित कोई भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गणेश भगवान का शीश माता पार्वती के कहने पर ही कटा था, गणेश भगवान का प्रादुर्भाव, गणपति जी का प्रादुर्भाव भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से पूर्व हो गया था। अगर आप ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाइए और जाके देख के आइए। और मेरे चैनल हरि बोल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अनेक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।